हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता आपका अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ। आज का वीडियो बेसिकली उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों की स्टडी को लेकर, लर्न को लेकर काफ़ी परेशान है। तो मैं उस मदर से कहना चाहूँगी कि आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनके थ्रू अपने बच्चों को आप इजी तरीके से लर्न करवा सकते हैं और उनको उनकी डांट से बचा सकते हैं। जो बस डांट उनको स्कूल में पड़ती है, घर पर पड़ती है कि बेटा पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है या याद नहीं करना चाहता है। आपका बच्चा पढ़ता है, याद करता है, लेकिन आज के टाइम में पढ़ाई इतनी टफ है, इतनी लेंदी है कि बच्चों के लिए याद करना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो खुद देखते हैं कि हाँ, पढ़ाई कितनी टफ़ है, कितना लेंदी कोर्स है, हमारा मासूम बच्चा कैसे क्वेश्चन आंसर को करवाएगा, कैसे कर पाएगा। तो मैं उन मदर से कहना चाहूँगी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनके थ्रू आप अपने बच्चों को ईजी तरीके से आप लर्न करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरी पहली टिप्स एंड ट्रिक्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं हमको तो याद ही नहीं होता। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी और स्पेशल उन मदर से कहना चाहूँगी कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपने बच्चों को सिंपल टिप एंड ट्रिक्स समझा दिया और छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चे को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनको समझें, उनको समझाएं कि बेटा मैं बैठी हूँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। आप याद करो, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, एक बार नहीं चार बार बताऊँगी, आप परेशान मत हो। आपका बच्चा कहेगा हाँ मम्मा है मुझे समझाने के लिए। तो सिंपल तरीका यही है बच्चे को अपनी तरफ कन्विंस करने का, पढ़ाई की तरफ ले जाने का, कि अपने बच्चों को प्यार से और कॉन्फिडेंट में अपने बच्चों को समझाएँ और याद करवाएँ। तो मेरी पहले टिप्स उन मदर्स के लिए है, जैसे आपका बच्चे का क्वेश्चंस बहुत लेंदी है या आपके वर्ड मीनिंग्स बच्चा याद कर रहा है, टफ वर्ड्स आपका बच्चा याद कर रहा है, तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से याद करवा सकते हैं फिंगर्स की हेल्प से। ये फिंगर्स जो होती हैं ये जादू का काम करती है लर्निंग के टाइम पर, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को उंगलियों की हेल्प से ही लर्न करवाती हूँ और उसे ईजी तरीके से लर्न हो जाता है, उसके दिमाग में वो शब्द बैठ जाते कि हमें इस तरीके से याद करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। जैसे हमको याद करनी है न्यूज़पेपर की स्पेलिंग, तो हम कैसे याद करेंगे, जैसे NEWSPAPER न्यूज़ पेपर, तो आपका बच्चा बोलेगा मम्मा कैसे, तो आपको उसे बताना है बेटा NEWSPAPER न्यूज़ पेपर। आप एक बार उसके साथ बोलिए, दो बार बोलिए, आप उसके साथ पांच बार आप उसके साथ बोलेंगे, फाइव टाइम आप अपने बच्चे के साथ बोलेंगे, उसके बाद आपके बच्चे के मन में स्पेलिंग्स बैठ जाएंगे, किस उंगली के बाद किस उंगली पर कौन सा वर्ड्स आता है, तो आपका बच्चा जो है वो इजी तरीके से आपकी स्पेलिंग्स को लर्न कर पाएगा। आप स्टार्टिंग में उसके साथ बोलेंगे, उसके बाद खुद आपका बच्चा बोलेगा मम्मा आप सिर्फ उंगली दिखाइए, मैं खुद लर्न करूँगा, मैं खुद बोलूँगा। पहले आप धीरे धीरे बोलिए, फिर आप जल्दी जल्दी बोलिए, तो आपके बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे बोलना है। जैसे आप स्टार्टिंग में बोल रहे हैं NEWSPAPER, फिर आप जल्दी जल्दी फिर आप उंगलियाँ दिखाइए, सिर्फ आपका बच्चा खुद स्पेलिंग बोलेगा NEWSPAPER। ठीक उसी तरीके से, एंड मेरी सेकेंड टिप्स है कि जैसे क्वेश्चन आंसर बहुत टफ होते हैं तो बहुत बच्चों को याद करने में डिफ़िकल्ट होता है कि मम्मा कैसे याद होंगे, मैं कैसे याद कर पाऊँगा, बहुत टफ़ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो अपने बच्चे से कहिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा, दो क्वेश्चन तुम अभी याद कर लो, दो क्वेश्चन तुम शाम को याद कर लेना। तो बच्चे कहेगा हाँ मम्मा लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है, मुझे नहीं याद हो रहा है, मैं एक ही याद कर पाऊँगा। तो कहना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले तुम टफ़ वर्ड्स उसमें से जो हैं वो याद कर लो। जैसे मैग्नीफाइंग की स्पेलिंग आपको याद करनी है तो आप उसको एकदम याद मत करवाइए, आप उसको टुकड़ों में याद करवाइए, जैसे एक बार में तीन वर्ड्स MAGNIFYING मैग्नीफाइंग, तो आपका बच्चा खुद कहेगा हाँ मम्मा सही कह रहे हो, क्योंकि जब वो टफ वर्ड्स ईजी तरीके से याद कर लेगा तो बाकी पूरे क्वेश्चन आंसर को याद करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। आपको बच्चा खुद कहेगा हाँ मम्मा आप सही कह रहे हो, ईजी है। तो इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन आंसर को बच्चों को एरो बना दीजिए कि एक बार में तीन वर्ड्स से दूसरी बार में दो वर्ड्स, तीसरी बार में तीन वर्ड्स। जैसे मैग्नीफाइंग की स्पेलिंग लिखनी है तो MAGNIFYING मैग्नीफाइंग, बच्चा आपका इजी तरीके से याद कर लेगा, जो भी टफ वर्ड्स होंगे ना इजी तरीके से याद कर लेगा। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, आप सब कुछ उस पर छोड़ नहीं सकते हो कि नहीं बेटा तुमको खुद ही याद करना है, पढ़ाई बहुत टफ है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर तुम्हारे टफ इतने टफ हैं, हमारे टाइम में भी टफ होते थे। तो देखिए बच्चा ऐसा रहेगा तो वो निराश हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, मम्मा भी हेल्प नहीं करे। तो उसको बताना है बेटा पढ़ाई उस टाइम भी बहुत टफ थी, अगर हमने भी पढ़ाई नहीं करी होती तो आज हम तुमको कैसे पढ़ा रहे होते, हम लोग भी पढ़ाई से अगर भाग रहे होते, पढ़ाई बहुत टफ है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो आप मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी, आप बच्चों कॉन्फिडेंटली लीजिए, बच्चों को घबराइए नहीं, बच्चे से कहिए बेटा बिना आराम से याद करो, जब तुम्हारा मन करे
तब तुम याद करो, तो बच्चा आराम से याद करेगा, घबराएगा नहीं। एंड मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता चुकी हूँ, आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर कर ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे आप बच्चे को धक्का दे देंगे, जब आगे जाओ आगे जाओ, तो वो आगे नहीं जाएगा, वो लौट कर पीछे ही आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उससे कहिए, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है बेटा, तुम आगे बढ़ो, तुमको जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो आपका बच्चा कभी आगे बढ़ने से नहीं घबराएगा किसी भी चीज़ में। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करिए, करा करिए। अभी तक मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपका वीडियोज़ नए नए वीडियोज़ डालने के लिए आपके लिए हमेशा आगे रहूँगी। एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है इंट्रो वीडियो, जिसमें मैं आपको अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलवाने वाली हूँ कि मेरे बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करता है, किस तरीके से, और मेरी छोटी बिटिया किस तरीके की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।